लामता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देवसरा का जल संयंत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्लोरीन टैंक से क्लोरीन का रिसाव होने लगा, जहां मामले की जानकारी मिलते ही वहां पर काम करने वाले मजदूर सकते में आ गए। हालांकि इस दौरान कर्मचारी की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, जहां भोपाल से पहुंचे तकनीकी अमले ने भारी मशक्कत के बाद क्लोरीन रिसाव पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि क्लोरीन रिसाव की जानकारी मिलते ही अधिकारी क्षेत्रीय प्रशासनिक अमला और मेंटेनेंस का काम देख रही रियान कंपनी की तत्परता से गैस रिसाव को बंद कर दिया गया, अन्यथा कोई बड़ी घटना घटित हो सकती थी। बताया जा रहा है कि लामता के देवसर्रा स्थित जल संयंत्र के क्लोरीनेशन के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। 8 अगस्त को क्लोरीन टैंक के मेंटेनेंस के दौरान लगे कर्मचारी को टैंक वाल के वाइसर के पास से क्लोरीन की गंध आ रही थी। देखने पर पता चला कि टैंक का वाइसर कट जाने के कारण क्लोरीन गैस लीकेज हो रही है। इसके बाद तत्काल ही मेंटेनेंस का कार्य बंद कर दिया गया और सूचना प्रशासनिक अधिकारी और मध्य प्रदेश जल निगम के अधिकारियों को दी गई। लगभग 2.5 से 3 दिनों की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया गया। जानकारों की माने तो क्लोरीन गैस बहुत खतरनाक नहीं होती, लेकिन इससे सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन जैसी परेशानी जरूर होती है। यह अच्छी बात है कि इस पूरी घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि यदि उक्त गैस के रिसाव पर काबू नहीं पाया जाता तो यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बताया कि देवसर्रा में स्थित मध्य प्रदेश जल निगम का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थित है, जिसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी रियान वाटर टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है। प्लांट में स्थित क्लोरीन टैंक का मेंटेनेंस कार्य नियमित रूप से पूरे सावधानी व जरूरी सुरक्षा उपकरणों के साथ किया जाता है। 8 अगस्त को मेंटेनेंस कार्य के दौरान रियान कंपनी के कर्मचारियों को पता चला कि क्लोरीन टैंक वाले वॉल में लगे वाइसर के पास से क्लोरीन गैस लीकेज हो रही है, जिसके बाद कर्मचारियों ने तत्काल ही मेंटेनेंस कार्य बंद कर दिया और सजगता दिखाते हुए क्लोरीन सिलेंडर को पास करने, सुरक्षा के लिए बने पानी से भरे टांके में डालकर उन्हें उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दे दी। बताया जा रहा है कि 8 अगस्त को लामता के देवसर्रा वाटर प्लांट के क्लोरीन टैंक के गैस रिसाव की सूचना के बाद एसडीएम के निर्देश पर लामता नायब तहसीलदार, पटवारी, कोटवार, थाना निरीक्षक व अन्य प्रशासनिक अमला रात्रि में मानकुंवर नदी पार करके विपरीत हालत में भी देवसर्रा वाटर टैंक पहुंचकर वाटर टैंक के कर्मचारी से घटना की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और क्लोरीन गैस रिसाव को बंद होते तक घटना पर नजर बनाए रखी। उधर इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद परियोजना प्रबंधक के द्वारा पूरी रात क्लोरीन टैंक को केमिकल के द्वारा नष्ट करने का सफल प्रयास किया गया, जिसके बाद जल निगम भोपाल से पहुंची टीम व रियान कंपनी के परियोजना प्रबंधक वरुण सिंह के मार्गदर्शन में बीते 10 अगस्त तक क्लोरीन गैस रिसाव को रोकने का प्रयास चलता रहा। अंततः भोपाल और रियान कंपनी की टीम क्लोरीन गैस के रिसाव को रोकने में कामयाब रही। ग्राम सामाजिक एनिमेटर VCNH शुक्रवार को जिला पंचायत के सामने धरना देकर नियमित कार्य और निश्चित मानदेय की मांग दोहराई है। पदाधिकारियों ने बताया कि पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित मध्य प्रदेश संपरीक्षा समिति के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिए ग्राम सामाजिक एनिमेटर VCA को चयनित किया गया था। जिलों में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिए नियुक्ति की गई थी, लेकिन चयन होने के बाद भी नियमित रूप से कार्य न मिलने ग्राम सामाजिक एनिमेटर के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। संघ ने मांग रखी कि VCA को पूरे वर्ष प्रति माह कार्य दिया जाए। ग्राम संपरीक्षा समिति के सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण सत्यापन अवधि का मानदेय मनरेगा मजदूर के हिसाब से प्रदान किया जाए। VCA से सभी कर्मचारी को मेडिकल बीमा तथा टर्म इंश्योरेंस की सुविधा दी जाए। ग्राम सामाजिक एनिमेटर है, हम लोगों का चिन्हांकन किया गया था जिसमें हमें बोला गया था कि आप लोगों को नियमित कार्य दिया जाएगा। उसके बाद में हम लोगों को एक वर्ष तक के कार्य तो दिया गया है, लेकिन हम लोग अभी पिछले 14 महीने से घर में बैठे हुए हैं। तो हम लोगों की मांगे ये है कि हम लोगों को नियमित कार्य दिया जाए और निश्चित हम लोगों को एक मानदेय दिया जाए। और हमें हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री साहब सर से भी है कि वे हमारी एक महापंचायत बुलवाए और हमसे भी चर्चा करें कि हम लोगों का मतलब जो सामाजिक ग्राम सामाजिक एनिमेटर का चिन्हांकन किया गया था तो उनके संबंध में भी क्या शासन की योजनाओं का जो सत्यापन किया जा रहा है। खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भोरगढ़ के सरपंच देवेंद्र बारेवार व अन्य 3 लोगों पर भोरगढ़ की ही निवासी महिला इंदुबाई भंडारकर के द्वारा गाली गलौज कर 11 अगस्त के दोपहर 3 बजे उनके दुकान में ताला लगाने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत उन्होंने खैलांजी थाने में लिखित तौर पर दी। शिकायत में यह उल्लेख किया गया
कि अनाविदक ग्राम पंचायत भोरगढ़ के सरपंच देवेंद्र बारेवा, संतोष ठाकुर, ओम प्रकाश विजयवार, प्रदीप मड़ावी 11 अगस्त की दोपहर 3 बजे उनकी दुकान पे जबरन आए और उनकी दुकान को ताला लगा दिया गया और दुकान बंद कर दिया गया। वहीं अनाविदक के द्वारा उन्हें गाली गलौज भी की गई। इसके पूर्व रात्रि में ही उन्हें अश्लील गालियाँ देकर उनके दुकान के सामने उनकी दुकान से सामान ले जा लिया गया। वहीं आवेदिका ने लिखित शिकायत में बताया कि वह 18 वर्ष से उस मकान में अपने दो बेटों के साथ निवासरत है। उनकी पति की मृत्यु 30 मई को हो चुकी है। वह अपने दुकान के भरोसे ही जीवन यापन कर रही। वह एक गरीब महिला है, दुकान के भरोसे ही उनका जीवन का गुजारा होता है। वहीं आवेदिका ने पुलिस प्रशासन से अनावेदक गण पर उचित कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की। मेरा मामला यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत भोरगढ़ सरपंच द्वारा देवेंद्र बारेवार द्वारा मेरे दुकान में जबरन ताला लगाया गया एवं गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार किया गया। मैंने इसकी शिकायत खैरलांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत की है। आज दिनांक दोपहर 3 बजे की यह घटना है और रात में मेरा कुछ सामान ले जाया गया, सरपंच द्वारा गाली गलौज किया गया और रात में भी सामान ले जाया गया और दिन में मेरे दुकान में जबरन ताला लगाया गया। ताला लगाया गया सरपंच द्वारा जबरन। मैं ये चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच की जाए, उचित कार्रवाई की जाए। जब इस विषय पर ग्राम पंचायत के सरपंच से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में सर्वसहमति से प्रस्ताव लेकर यात्री प्रतीक्षालय में ताला लगाया गया है। उनकी दुकान को कुछ नहीं किया गया है। जो यात्री प्रतीक्षालय से अलग है उनके द्वारा दुकान का टीन शेड यात्री प्रतीक्षालय में डाला जा रहा था जिसमें पंचायत की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। यह कार्य ग्राम के सभी पंचों व ग्रामीणजनों की मौजूदगी में किया गया है जिसके संबंध में खैलांजी थाने में शिकायत भी की गई। वहीं इस विषय को लेकर जब थाना प्रभारी जयराम बर्डे से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उक्त विषय को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा खैलांजी थाने में शिकायत की गई है जिसमें जांच की जा रही है। मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेवर गांव में एक युवक के खेत में विद्युत करंट से मौत हो गई। यह घटना कृषि कार्य के दौरान हुई। मलाजखंड पुलिस ने मृतक युवक हरिश्चंद्र पिता तुलसीराम रांगनाले 24 वर्ष का शव उसके घर से बरामद किया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरिश्चंद्र रांगडाले अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और वह अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता था। पिछले वर्ष उसकी शादी हुई थी। यह भी बताया गया कि हरिश्चंद्र खेत के पास ही उसके बड़े पिता का भी खेत मकान है जहां विद्युत का टीसी कनेक्शन लिया गया है। इसी विद्युत कनेक्शन के माध्यम से कुएं में लगी मोटर से खेत में सिंचाई होती थी। 9 अगस्त को 3 बजे करीब हरिश्चंद्र अपने खेत में पानी चलाने के लिए गया था किंतु शाम 7 बजे तक वह घर नहीं आया। परिवार वालों ने हरिश्चंद्र की गांव में खोजबीन की किंतु गांव में नहीं मिलने पर वह खेत की तरफ उसे तलाश करने के लिए गए तो खेत की पार के किनारे हरिश्चंद्र मृत हालत में पड़ा हुआ था जिसके हाथ हथेली और पेट में जलने के निशान थे। संभवतः टीसी विद्युत कनेक्शन के तार के संपर्क में आने से हरिश्चंद्र की मौत हो गई होगी, यह संभावना जताई जा रही है। इस घटना की सूचना मलाजखंड पुलिस थाने में दी गई थी जहां से पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर हरिश्चंद्र का शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और आगे मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। स्थानीय रेंजर कॉलेज में आयोजित मध्य प्रदेश अंडर 17 यूथ फुटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का समापन 11 अगस्त को किया गया। चैंपियनशिप 23 जुलाई से शुरू की गई थी जो 11 अगस्त तक चलती रही जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगभग 24 टीमें बुलाई गई थी जिसमें बालाघाट जिला सहित खंडवा में अलग अलग स्थान पर 12-12 टीमें द्वारा फुटबॉल प्रतियोगिता का मुकाबला किया गया जिसमें 11 अगस्त को फाइनल मुकाबला रेंजर कॉलेज स्थित मैदान में खेला गया। वहीं फुटबॉल संघ के सचिव के द्वारा बताया गया कि यह फुटबॉल प्रतियोगिता ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन संघ के द्वारा आयोजित की गई जिसके प्रथम चरण में लगभग 12 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। तो वहीं ऐसे ही आयोजन ग्रुप डी के तहत खंडवा जिले में भी आयोजित किया गया था। इस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली दोनों ही टीमों से 4-4 टीमें फाइनल में पहुंची है जिसका दोनों ही जिलों से जीती 4 टीमों के बीच 11 अगस्त को फाइनल भिड़ंत खेला गया व जो टीम जीतेगी वह मध्य प्रदेश के लिए टीम का चयन किया जाएगा और जो टीम अच्छा खेलती है उसे इस बार आयोजित होने वाले फुटबॉल प्रतियोगिता में स्पेन जाने का भी मौका मिलेगा। सर पीछे का तक जाओ दूसरा पीछे से आता है। अभी पिक्चर हो सकती है, मार सकती है वो।
टेक्नोलॉजी के इस युग में जहां एक ओर ज्यादातर कार्य आसान हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसके गलत हाथों से इस्तेमाल होने पर भी बड़ी आफत भी आ सकती है। वहीं फर्जी फेक आईडी बनाकर लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के समक्ष आया, जहां किसी ने उनके नाम की फर्जी आईडी बनाई और उस फर्जी आईडी से अधिकारियों पर अर्जेंट मीटिंग करने का दबाव बना रहा है। जिसकी जानकारी मिलते ही आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी के स्क्रीनशॉट्स के साथ किसी के बहकावे में न आने की बात कही, जहां उन्होंने फर्जी आईडी से सतर्क रहने की अपील करते हुए मामले के उच्च स्तरीय जांच के लिए डीजी से शिकायत करने की भी बात कही। जल संसाधन एवं आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे के नाम से व्हाट्सएप में फर्जी आईडी बनाकर विभागीय अधिकारियों को मीटिंग के लिए बोले जाने की जानकारी के बाद यह मामला प्रकाश में आया। आयुष मंत्री की फोटो के साथ ही व्हाट्सएप पर बनाई गई फेक आईडी कॉलर ने एक विभागीय अधिकारी के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर अर्जेंट मीटिंग की बात कही, जिसकी जानकारी विभागीय अधिकारी से मिलने पर आयुष मंत्री को पता चला कि उनके नाम से कोई 9989178125022 नंबर से फेक व्हाट्सएप आईडी चला रहा है और विभागीय अधिकारियों को मीटिंग के लिए दबाव बना रहा है। जिसकी जानकारी के बाद आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने व्हाट्सएप चैटिंग के स्क्रीनशॉट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डालकर अपने से जुड़े लोगों की इसकी जानकारी दी। इस पूरे मामले का पता चलते ही आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने फेक आईडी से अधिकारी को भेजे गए मैसेज का स्क्रीनशॉट्स लिया और उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर इसे पोस्ट करते हुए उनके नाम से किसी भी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बनाए गए इस फर्जी आईडी से सतर्क रहने की भी बात कही। जिन्होंने अपने सोशल अकाउंट में लिखा कि मेरे द्वारा किसी को भी इस तरह के मैसेज नहीं किए जा रहे हैं, कृपया सावधान रहे और झांसे में ना आए, मेरे द्वारा पुलिस में भी इस फर्जी कृत्य की शिकायत की जा रही है। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने प्रदेश सहित जिले के विभागीय अधिकारियों और जनता से कहा कि उसने किसी भी कोई व्यक्ति को नामांकित नहीं किया है और किसी के बहकावे में ना आए, फर्जी फेक आईडी से सतर्क रहे। वहीं उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से किए जाने की भी बात कही। इस मामले में आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने द्वारा बताया गया कि इस फर्जी आईडी की शिकायत डीजी से किए जाने की भी उन्होंने बात कही। आपको बताया कि भारत देश में मोबाइल नंबर की संख्या 10 होती है, जहां हर किसी का मोबाइल नंबर 10 अंकों का ही होता है, लेकिन आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के नाम से जो फेक आईडी बनाई गई है, उस फेक आईडी को चलाने वाला कॉलर के अकाउंट में 12 अंक का मोबाइल नंबर दर्शा है, जिसके चलते विदेशी नंबर से फर्जी आईडी बनाए जाने की बात कही जा रही है। वाराणसी नगर के बालाघाट मार्ग पर स्थित वार्ड नंबर 4 विवेकानंद कॉलोनी के पास 11 अगस्त की सुबह आवारा मवेशी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हाकफोर्स के सहायक उप निरीक्षक सतीश डायरे व उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए सिविल अस्पताल से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। नगर में लगातार आवारा मवेशियों की धमाचौकड़ी लगी रहती है। यह मवेशी मार्ग पर लावारिस अवस्था में विचरण करते हैं, ऐसे में लोगों के लिए यह बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। इसी कड़ी में 11 अगस्त की सुबह वारासुनी निवासी 35 वर्षीय सतीश डायरे, जो कनकी हॉकफोर्स में सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है, जो अपने 55 वर्षीय माताजी प्रमिला डायरे के साथ अपने मोटरसाइकिल से बालाघाट जाने के लिए निकले हुए थे। वह अपनी मां को उनके कार्य के लिए छोड़कर वह ड्यूटी पर चले जाएंगे। इस दौरान वह नगर के दीनदयाल चौक से निकले थे और बालाघाट रोड पर स्थित वार्ड नंबर 4 के अंतर्गत विवेकानंद कॉलोनी के सामने उनके मोटरसाइकिल को आवारा मवेशी ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर गई, जिसमें सवार सतीश डायरे और प्रमिला डायरे दोनों माँ बेटे को गंभीर चोटें आ गई, जिन्हें स्थानीय जनों के द्वारा तत्काल ही वारासुनी के सिविल अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार कर दोनों माँ बेटे को बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। हाँ, ये सतीश डायरे जी, उन्होंने मुझे अभी फ़ोन लगाया था कि मम्मी के साथ मैं बालाघाट की ओर जा रहा था और वहाँ से ड्यूटी जाने वाले थे, तो मवेशी गाय जो बालाघाट रोड पर जो रहती है उसकी वजह से डिवाइडर पर ये जाके टकरा गए गाय के वजह से, इस कारण से इनको चिकित्सालय सिविल हॉस्पिटल में लेके आया गया है और यहाँ से इनके उपचार के बाद में इनको बालाघाट के लिए रिफर किया गया। जो पुलिस वाले जो बालाघाट से आ रहे थे, वो आवारा जानवरों के कारण उनका एक्सीडेंट हो गया, जो बहुत काफ़ी चोटिल है, और ऐसे में नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही, जैसे बालाघाट में ध्यान दे रहे हैं, सीधा बालाघाट से लेकर के गौशाला लेके आ रहे हैं, और यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष इतनी निष्क्रिय है कि जो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही, जिसके कारण आए दिन हर समय किसी न किसी समय में दुर्घटना होती जा रही है।
किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोरगांव सोन नदी घाट में एक वृद्ध की लाश बरामद की गई, जिसकी पहचान श्यामराव पिता हीरा दोनाडकर 76 वर्ष ग्राम टेमनी लांजी निवासी के नाम से की गई है। इस वृद्ध की नदी में बहने से मौत होने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्यामराव दोनाडकर ग्राम टेमनी में रहता था और मजदूरी करता था। बताया गया कि श्यामराव शराब पीने का भी आदि था। 8 अगस्त की शाम 7 बजे श्यामराव अपने घर से निकला था, जो रात्रि में घर वापस नहीं आया। दूसरे दिन 9 अगस्त को भी श्यामराव के घर नहीं आने पर उसके परिवार वालों ने पुलिस थाने में उसके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की थी। इस संबंध में उसके बेटे को सूचना भी दी गई थी। 10 अगस्त को सुबह 9:30 बजे करीब बोरगांव के समीप सोन नदी घाट में एक वृद्ध की लाश देखी गई, जिसकी पहचान उसके परिजनों ने श्यामराव के दोनाडकर ग्राम टेमनी निवासी के नाम से की। इस घटना की सूचना मिलने पर किरणापुर से पुलिस स्टाफ बोरगांव सोन नदी घाट पहुंचा और मृतक श्यामराव दोनाडकर का शव बरामद किया। संभावना व्यक्त की गई कि 8 अगस्त की शाम करीब 7 बजे श्यामराव दोनाडकर शौच के लिए ग्राम के समीप नदी की तरफ गया होगा, तो वहीं वह नदी में फिसल गया होगा, जिसके बहने से उसकी मौत हो गई होगी। पुलिस ने लाश का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम धापेवाड़ा में सरपंच प्रत्याशी संतोष मोहारे को सपोर्ट नहीं करने की रंजिश को लेकर एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई को हाथ मुखों से मारपीट कर उसे घायल कर दिया, जान से मारने की धमकी भी दे डाली। कोतवाली पुलिस ने सुकाजी पिता काशीराम बम्बूरे 36 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके बड़े भाई दुर्गा बम्बूरे के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम धापेवाड़ा के निर्वाचित सरपंच खूबचंद माहुली का निधन होने से इस ग्राम पंचायत में 10 अक्टूबर को सरपंच का चुनाव था। इस चुनाव में देवराम निल्लारे और संतोष मोहारे ने सरपंच के लिए दावेदारी की थी। पंचों के द्वारा किए गए मतदान में देवराम निल्लारे को 9 मत तो वहीं संतोष मोहारे को 6 मत मिले, जिसमें सरपंच के लिए देवराम निल्लारे निर्वाचित किए गए। चुनाव के बाद शाम 5 बजे सुकौजी बम्बूरे अपने पड़ोस में सुरन बाई के आंगन में खड़े थे, तभी उसका बड़ा भाई दुर्गा बम्बूरे आया और उसने अपने छोटे भाई सुकाजी बम्बूरे को अश्लील गाले देते हुए कहा कि तूने चुनाव में मुझे साथ नहीं दिया, सरपंच चुनाव में हमारे प्रत्याशी का सपोर्ट नहीं किया और हमारे घर के वोट को दूसरे को दिलवा दिया। यह कहकर दुर्गा बम्बूरे ने अपने छोटे भाई सुकाजी बम्बूरे को हाथ बुक्कों से मारपीट कर दी और पास ही पड़ी ईंट से उठाकर उसे मार दिया, जिससे उसे काफ़ी चोटें आई और जान से मार डालने की धमकी भी दी। सुकाजी बम्बूरे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर पुलिस ने उसके भाई दुर्गा बम्बूरे के विरुद्ध धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी रसोईया बहनों की 5वें दिन भी हड़ताल जारी रही, जहां हड़ताल पर बैठी इन रसोईया बहनों ने शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की, तो वहीं जिला पंचायत CEO के द्वारा जारी किए गए कार्रवाई के आदेश का भी जमकर विरोध किया। जहां रसोईया बहनों ने हड़ताल के 5 दिन बीत जाने और ज्ञापन आवेदन निवेदन का भी कोई जवाब न आने पर हाथों में मटके लिए नगर में एक मटका रैली निकाली, जो शासन प्रशासन मुर्दाबाद के नारों के साथ सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां संगठन से जुड़ी रसोईया बहनों ने मटकी फोड़कर ज्ञापन की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन SDM सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वहीं बालाघाट में प्रदर्शन करने की जगह भोपाल जाकर संबंधित मंत्रियों से मुलाकात करने की समझाइश दी, जहां काफ़ी देर तक चले हंगामे के बीच संगठन ने मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपते हुए उनकी एक सूत्री मांगों को पूरा किए जाने की भी गुहार लगाई। वहीं SDM की समझाइश पर संगठन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने के साथ साथ प्रतिनिधि मंडल को लेकर भोपाल जाने की भी बात कही। वहीं उन्होंने मांग पूरी न होने तक उनकी यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की भी चेतावनी दी। राज्य मंत्री नानो कावरे मुर्दाबाद, राज्य मंत्री नानो कावरे मुर्दाबाद, गौरी शंकर विधायक मुर्दाबाद, गौरी शंकर विधायक मुर्दाबाद। पंचेसर जी सुनो, रसोईया संघ के द्वारा अपना मानदेय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज ज्ञापन सौंपने यहाँ और अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हुए थे, उनको समझाइश दी गई है कि चूंकि ये शासन स्तर का मामला है, इसमें शासन स्तर से संज्ञान लिया जा सकता है, तो जो माननीय मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक इनकी बात हम पहुंचा देंगे। साथ ही उनको समझाइश दी गई है कि भोपाल जाकर वहां सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय मंत्री जी को सभी समस्याओं से और इन चीज़ों से अवगत कराएं। संवेदनशील सरकार होने के नाते तत्काल उसमें संज्ञान लेंगे और मुझे आशा है कि तत्काल इनकी मांगें जो भी है वो पूरी।
पलाशखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पौनी के पंडा पानी के से ग्राम की एक 14 वर्षीय लड़की करिश्मा पिता उपेंद्र मरकाम की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करिश्मा के माता पिता खेती किसानी करते हैं। करिश्मा कक्षा 8वीं में पढ़ती थी। 9 अगस्त को सुबह 7 बजे जब करिश्मा की माँ घर में खाना बना रही थी, तभी करिश्मा अपने घर के कोठे में गोबर फेंकने गई थी, तभी उसके बाएं हाथ की कलाई में किसी जहरीले सांप ने काट दिया। परिवार वालों ने करिश्मा का इलाज जड़ी बूटी और झाड़ फूक से करवाए, किंतु आराम नहीं होने पर उसे बिरसा के अस्पताल लाकर भर्ती किया था, जहां रात्रि 8 बजे करिश्मा के उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। लांजी नगर के रिहायशी इलाकों में शेरनी की दस्तक देखी गई, जिसके चलते इन क्षेत्र के लोग सहम गए हैं। वन विभाग सहित नगर परिषद लांजी के द्वारा शेरनी होने की खबर को बतौर मुनादी करवाकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि विगत 3-4 माह से महाराष्ट्र के नगजिरा अभयारण्य की एक शेरनी जिसमें कॉलर आईडी लगा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 18 से 20 माह की बताई जा रही। नगजिरा से शेरनी निकलकर किन्नापुर वन क्षेत्र पहुंची तथा किन्नापुर के जंगलों में विचरण कर 10 अगस्त को लांजी क्षेत्र के भूरसा डोंगरी बगड़ी कालीमाटे होते हुए लांजी नगर के वार्ड क्रमांक 1 बकरामुंडी मंडई टेकरी मार्ग पर शेरनी को लोकेशन उसकी ट्रेस की गई। लोकेशन के आधार पर नागजीरा वन विभाग के अधिकारीगण, जो कि इस कार्य के लिए पारंगत है, उनके द्वारा अपने सर्व सुविधा युक्त वाहन के माध्यम से शेरनी की लोकेशन देखी जा रही है। लोकेशन के आधार पर शेरनी 200 से 500 मीटर में विचरण कर रही है, यह भी जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई। नगर परिषद लांजी के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 बकरामुंडी व मंडी टेकरी में जैसे ही बाघिनी या शेरनी की लोकेशन प्राप्त हुई, वैसे ही सुबह करीब 7 से 8 बजे नगर परिषद के द्वारा मुनादी वाहन से मंडी टेकरी बकरामुंडी पहुंचकर अलर्ट जारी करते हुए मुनादी की गई। लोगों से यहां अपील की गई है कि अकेले खेती की ओर न जाए, खेती कार्य को रोक दे, घरों से जंगल की ओर न जाए और सतर्क रहे। इसी क्रम में जनपद पंचायत लांजी के द्वारा ग्राम पंचायत नेवरवाही जूनेवानी खांडापरी नंदोरा घोटी खुर्सी टोला के सरपंच सचिव व सहायक सचिव को आदेश जारी किया गया है कि ग्राम बकरामुंडी के आसपास एक बाघिन चहलकदमी कर रही है। वन विभाग के द्वारा अलर्ट किया गया है। अंततः उक्त बाघिन के संबंध में मुनादी करवाकर आम जनता को सतर्क किया गया है कि जंगल में न जाए और सतर्क रहे। बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम करेली के तालाब में इसी ग्राम के एक व्यक्ति मोहर सिंह पिता बेनू सिंह मरकाम 62 वर्ष के तालाब में डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहर सिंह मरकाम अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता था, जिसके परिवार में 2 बेटे और बहू है। मोहर सिंह मरकाम के घर के पीछे ही भोले बाबा का तालाब है और तालाब की मेड़ से ही आना जाना करते हैं। मोहर सिंह को करीब 25 वर्षों से फीट की बीमारी थी, जिसके इलाज का समय समय पर किया जा रहा था। 10 अगस्त को सुबह 5 बजे मोहर सिंह मरकाम रोज की तरह अपने खेत जाने निकला था, किंतु वह 9 बजे तक घर नहीं लौटा। तब परिवार वालों ने काफ़ी खोजबीन की, देखा कि तालाब के पार किनारे मोहर सिंह मरकाम का शव पड़ा हुआ था। इस घटना की रिपोर्ट उसके भाई महारू सिंह मरकाम ने 59 वर्ष बैयर पुलिस थाने में किया था, जहाँ से पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद कर पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि तालाब के पार से आते या जाते समय मोहर सिंह मरकाम को अचानक फीट का दौरा पड़ने से वह तालाब में गिर गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई होगी। आगे मर्ग जांच की जा रही है।